आज हमारे बिहार लाइव 7 पे हम लोगों के साथ जहानाबाद के एसडीपीओ श्री प्रभात भूषण श्रीवास्तव हैं, जिनका अभियान विक्टर लगातार आज कोरोना वायरस को लेकर जो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो इनका लगातार जो है अभियान चल रहा है पूरे शहर और साथ साथ ग्रामीण इलाकों में। दिन में तो ये पुलिस की भूमिका में लोगों को लॉकडाउन का पालन नियम कानून जानकारी देते दिखते हैं, लेकिन रात में जो है ये गरीब गुरबे लाचार और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में जो है ये राहत सामग्री सैनिटाइजर और मास्क वितरण करते हैं। हम सीधे इनसे जानते हैं कि कैसे सबसे पहले तो कैसे ये समय को एडजस्ट करते हैं और अपने आप को कैसे ये ढालते हैं। सर, कैसे समय को एडजस्ट कर पाते हैं सर आप पुलिस और एक समाज सेवक के रूप में? हम लोग पुलिस विभाग से आते हैं और 24 घंटा हम लोग अपने आप को ड्यूटी पर मानते हैं। इसी के तहत लॉकडाउन की जो परिस्थितियां हैं, लॉकडाउन का जो सिस्टम है उसको हम लोग काफ़ी कड़ाई के साथ कठोरता के साथ पालन करा रहे हैं और जहानाबाद ज़िले में लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी संतोषजनक भी दिख रही है। इसी क्रम में लॉकडाउन के चलते बहुत से ऐसे असहाय गरीब व्यक्ति हैं जिनको खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, उनके काम रोजी रोजगार उनका बंद हो गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन की स्तर से जो सहायता की जा रही है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि जो लोग नीडी हैं उन लोगों को घर से जा करके खोज करके घर तक उनको भोजन पहुंचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी। इसके लिए मैंने महसूस किया कि एक ऑपरेशन विक्टर के नाम से चलाया कार्यक्रम चलाया और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय संतोष जी हैं, वीरेंद्र बाबू हैं और ये प्रवीण बाबू हैं, संतोष जी रिटायर्ड सैनिक हैं और इसके बाद से डॉक्टर सुनील कुमार हैं। इसी तरह से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और ये सभी लोगों के द्वारा अन्न की व्यवस्था मिलजुल कर कराई जा रही है और हम लोग अपने जो सदस्य हैं उनके माध्यम से दिन में उन लोगों का गरीब लोगों का चयन करवा लेते हैं और चयन करवा करके उन लोगों के यहाँ पुर्जा पहुँचा देते हैं और शाम में 6 बजे के बाद हम लोग उन जगहों पर घूम घूम करके जहाँ ज़्यादा संख्या रहती है उनको वहाँ बुला करके या जहाँ कम संख्या रहती है वहाँ उनके घर पर जा करके ही अन्न की आपूर्ति कराते हैं जिससे लोगों को भोजन की व्यवस्था हो पाती है। इसके अतिरिक्त कांको मोड़ पर माता दुर्गा जी का एक मंदिर है, वहाँ के सदस्यगणों के द्वारा भी काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसी का पर्पज़ से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को भोजन कराया जा रहा है। वैसे लोग जो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, सुबह 10 बजे से शुरू होता है, 10 बजे रात तक यहाँ भी चलते रहता है और लगातार इनके जो भक्त हैं और जो स्वयंसेवी हैं वो सभी मिल करके इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। सर, ये जब से लॉकडाउन लगा है 16वां दिन है तो अभी तक लगातार ये आपका अभियान चल रहा है, तो महल्ला जैसा कि हम लोग देख रहे थे घर घर जाकर महल्ले बाई महल्ले जाकर आप लोगों को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और उनके घरों में दस्तक देकर राहत सामग्री पहुंचाते हैं, तो ये कैसे लिस्ट तैयार करते हैं और इसमें कितना मुश्किल आती है और अभी तक ओवरऑल आपने क्या फीडबैक महसूस किया, कितने ज़रूरतमंद लोग हैं? ज़रूरतमंद की संख्या तो ये निर्धारित नहीं की जा सकती है, सीमा में नहीं बांधी जा सकती है, लेकिन हम लोग अपने जो कार्यक्रम को चलाया उसके तहत दिन में इस जो संस्था है इसके लड़के जो है जाकर लोगों को पता करते हैं, आसपास के लोगों से मोहल्ले से पता कर लेते हैं और वैसे तो जो भी आसपास के पड़ोस के मोहल्ले के लोग हैं उन्हें हर आदमी को पता है कि ओरिजिनल नीडी कौन सा व्यक्ति है, किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाना के किसके लाले पड़े हुए हैं, उनकी संख्या पता हो जाती है, उनके घर में लड़के जा कर के पुर्जा भी दे देते हैं और शाम में हम लोग उन्हें बुला करके अन्न की आपूर्ति करा देते हैं। लेकिन ऐसा अभी महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीडी नहीं हैं, मुफ्त में बढ़ता देख करके उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, फिर हम लोग ऐसे व्यवस्था लगा रहे हैं कि उन लोगों की संख्या कटे और वो लोग अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाएं, वास्तविक रूप से जो नीडी हैं कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये हम लोग का प्रयास है। क्या क्या राहत सामग्री में रहती है सर? राहत सामग्री में चावल रहता है, आटा रहता है, दाल रहता है, नमक रहता है, कड़ू तेल रहता है, आलू रहता है, उसके अलावा कुछ जो साधन है उसकी भी व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये अभियान सर आपका जो चल रहा है ये क्या आगे भी चलते रहेगा और इसको पालन इसी तरह से कराया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग प्रयास में हैं कि जब तक ये समस्या बनी हुई है उस समय इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग ये कंटिन्यू इसको चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, जब तक सामर्थ्य रहेगा तब तक हम लोग इसको चलाएंगे।
तो ये थे बिहार लाइव सेवन पे हमारे जहानाबाद SDPO श्री प्रभात भूषण श्रीवास्तव सर। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण शर्मा हैं, लगातार इनका भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से लगातार सहयोग करते आ रहे हैं और ये आज साथ में भी हैं, इनके तरफ से भी वितरण करवाया जा रहा है। क्या प्रवीण जी, कैसा लोगों को कैसे महसूस हो रहा है, गरीब हैं उसको कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या आपके आगे की योजना है? जैसे देखिए, गरीब को तो खोजना पड़ता है, तो हमारा जितना भी आदमी है लगाए हुए हैं वो जाकर के मोहल्ला बाई मोहल्ला चिन्हित करता है किस घर में ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी तो सबको है लेकिन ज़्यादा ज़रूरी किसको है उसको पहले हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं। वैसे तो सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, यहाँ देखिए हम मंदिर के द्वारा भी चलाया जा रहा है, आगे सरकार का भी भोजन चल रहा है, बहुत सारी संस्थाएँ चला रही हैं, तो उसमें हम लोग पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले को चिन्हित करके अभी उनको पुर्जा दे करके और राशन वितरण करते हैं। ये किस किस इलाके में अभी आपने सहयोग किया है, यह चलाने का आपका योजना है, आगे का प्लानिंग क्या है? लगभग तो अभी पूरे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये शहर गौरक्षणी से लेकर के आपको यहाँ स्टेशन वगैरह एरकी, हम लोग हर जगह घूम करके अभी तक 16 दिन लगभग हुआ है, हर जगह चला रहे हैं। ये तो ये थे हमारे सर थे SDPO सर और एक समाज सेवी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे चैनल पे बिहार लाइव सेवन पे प्रवीण शर्मा जी थे। इनका कहना है कि लगातार ये अभियान चलेगा और ये भी शहर में जो भी शहर का एरिया है, दायरा है, वहाँ लगातार चल रहा है और आगे इनका जो योजना है ग्रामीण इलाका में भी ये चलाएंगे। एकमात्र उद्देश्य है कि इस महामारी में कोई भी गरीब भूखा ना रहे और कोई भी गरीब भूखा ना सोए। अजीत जहानाबाद।